हेलो फ्रेंड्स, सुजते इलाहाबादी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाटी चोखा लेके आए हैं। बहुत ही सरल तरीके से गैस पे बनाना बताएंगे। ये हम एक कटोरी बेसन लिए हैं, आप सत्तू भी ले सकते हैं जो भी है आपके पास। इधर हम जीरा भूज के लिए हैं 2 चम्मच, हरा धनिया ढेर सारा, लहसुन, हरा मिर्च, अदरक। अब हम बेसन भूजेंगे तो ये हम 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं पैन में, गर्म हो रहा है। इसमें हम बेसन अब डालेंगे। लो गैस पे इसको हमको भूजना है, तो बेसन हम अच्छी तरीके से चलाते हुए भूजेंगे ताकि बेसन जल ना जाए, ये बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसको इस तरीके से हम बेसन बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए बेसन हमारा ब्राउन हो गया अच्छी तरीके से। अब हम गैस बंद कर देते हैं, बेसन को रख लेते हैं ठंडा हो जाए। इधर ये देखिए सारी चीज़ें जो हम लिए थे, अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, उसको हम पीस लिए हैं इस तरीके से। अब ये बेसन में हम ऐड कर रहे हैं, इसका हम चूरमा बनाएंगे। इसमें हल्का सा हम नमक डाल रहे हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिला के हम इसका चूरमा तैयार कर लेते हैं बेसन का बाटी में भरने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम मिला के रख लिए हैं। ये चूरमा हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम आटा लगाएंगे। तो ये हमने आटा ले लिया है, ये आटा ले लिए हैं। इसमें हम 2 चम्मच 3 ऑयल डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगाएंगे। ये देखिए आटा हमको एकदम सॉफ्ट लगाना है। ये देखिए आटा हमारा इस तरीके से लग गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे बाटी जैसे। तो एक साइज ये देखिए सभी लोई हमने बना के रख ली है। अब हम इसको गोला करके इसमें चूरमा भरेंगे जो हम बना के रखे हैं। तो ये चम्मच से हम देखिए इस तरीके से चूरमा भर के इसको दबा के इसको फोल्ड कर दे रहे हैं। ये देखिए भर के हमने गोला गोला करके रख दिए रहे हैं इसको। इसी तरीके से हम सभी तैयार कर ले रहे हैं चूरमा भर के बाटी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार बनाएंगी तो बार बार खाने का मन करेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम सभी बाटी तैयार कर लिए हैं चूरमा भर के। हम इसको अप्पे साँचे में बनाएंगे। तो ये हम अप्पे साँचा रख दिए हैं गैस पे गर्म होने के लिए, और एकदम हम लो गैस पे बनाएंगे इसको। इसमें हल्का सा हम ऑयल लगा दे रहे हैं ताकि चिपके ना, अच्छी तरीके से बन जाए। बहुत हल्का हम देखिए ऑयल लगा रहे हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रहे हैं। अब इसमें इस तरीके से हम बाटी रख रहे हैं। ये सभी में हम बाटी रख दे रहे हैं इस तरीके से। हमको लो गैस पे बनाना है, गैस तेज़ नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगी। ये बहुत ही जल्द बनेगी ये बाटी, 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इस तरीके से बाटी हो गई हल्का हल्का। तो इसको हम पलट दे रहे हैं। इसको हम पलट के इस तरीके से चारों तरफ अच्छे तरीके से इसको सेक ले रहे हैं। बहुत ही जल्द बन जाता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरीके से बाटी हमारी बन गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से सेक गई है। ये 10 मिनट में बन जाती है और ढकना नहीं पड़ता है, बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारी फूली फूली बाटी बन के देखिए रेडी हो गई है इस तरीके से। ये देखिए हम चोखा पहले से बना के रख लिए हैं। बैंगन और टमाटर हमने गैस पे भूजा था, और आलू बॉयल करके ये देखिए चोखा हमने बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम कटोरी में रख रहे हैं चोखा को। ये देखिए बाटी भी हम प्लेट में निकाल लिए हैं। इस तरीके से हमारी बाटी बनी है, देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट आती है। ये सभी बाटी हम निकाल ले रहे हैं, हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। ये देखिए अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से भी ये पकी हुई है। ये देखिए अंदर से भी एकदम से बाटी पक गई है।
ये बाटी चोखा हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से झटपट। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।